भारत की इस ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा केदार जाधव का। उनकी बहन चारुशिला पाटिल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। चारू, बहुत सारे ऐसे लोग थे इस पारी में केदार की जो अपनी कुर्सी पर ही जमे रहे, कुर्सी से उठे भी नहीं, क्या आप भी उनमें से एक थी? क्या आप फिर से बोलेंगी? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब केदार इस तरह की तूफानी पारी खेल रहे थे तब बहुत सारे लोग अपनी कुर्सियों पर ही जमे रहे, टोना टोटका तक कर रहे थे कि ऐसा ना हो कुर्सी से उठे तो शायद केदार आउट हो जाए, उनमें से क्या आप भी एक थी? हाँ, वो ऐसा होता है कि जब हम मैच के एक निर्णायक स्थिति में आ जाता है मैच, तो उस टाइम जो कुछ भी चल रहा होता है वो आपको कुर्सी से उठने नहीं देता। और वही सिचुएशन था जो कल हम देख रहे थे, तो सब लोग बहुत ही रंजकता से वो गेम आगे जा रहा था और इसीलिए सब लोग कुर्सी में ही थे और मैं भी उन्हीं में से थी कि जो मैं अपनी कुर्सी से उठना नहीं पसंद किया कि वो मैच के उस स्टेज में। चारुशिला, इस मैच विनिंग पारी के लिए आप अपने भाई को क्या गिफ्ट देंगी? सुना है उन्होंने अपनी विनिंग ट्रॉफी ही आपको दे दी है मैन ऑफ द मैच की। हाँ, वो विनिंग ट्रॉफी तो मिली हमें कल और हमने वो सेलिब्रेट भी किया, एंजॉय भी किया वो। हाँ, ट्रॉफी तो है अभी घर पर। आप क्या गिफ्ट देंगी अपने भाई को? मुझे लगता है वो गिफ्ट का बहुत ही चर्चा हो गई। कल चतुर्थी का दिन था और केदार ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, तो मुझे लगता है गणेश जी जो सब विद्याओं की देवता है, तो मुझे लगा कि मैं भी मेरी तरफ से उसके लिए कुछ तोहफा दे दूँ, तो मैंने सोचा कि ये गणेश जी की एक मूर्ति है जो मैं केदार को देना चाहती हूँ। तो ये है आपका वो खास तोहफा है जो आप अपने भाई को देना चाहेंगी। ये बताइए चारुशिला कि आप अपने भाई के साथ बड़ी हुई हैं, पली बड़ी हैं, बहुत सारी मजेदार किस्से होंगे, कहानियां होंगी बचपन की जो आप शेयर करना चाहेंगी केदार के बारे में। हाँ, एक किस्सा मैं ऐसा बताना चाहूंगी कि हमारे घर के बाजू में एक आंवले का पेड़ था और वो आंवले के पेड़ में से आंवले निकाल के लाए थे हम लोग और केदार को वो ऐसा उसने वो जो दीवार रहती है घर की उसके ऊपर वो आंवले फेंके, हम लोग गुस्सा हो जा रहे थे और उसको वो एंजॉय कर रहा था अपनी बॉलिंग तरफ ऐसा, और मैंने देखा कि वो पूरा दीवार है उसके ऊपर वो स्पॉट आ गए हैं, तो लेकिन वो बोला नहीं तुम्हें क्या करना है मैं खेलता जाऊंगा। एंड मीन्स उसके उस खेल में से उसका वो जो खेल के तरफ पैशन था वो ही एक दिख रहा था, तो वो किसी और कैसे है कि जब मन में हम कुछ ठान लेते हैं तो सब चीज़ों में हमें वही दिखता है, तो हमारे लिए आंवला एक खाने की चीज़ हो गई लेकिन उसके लिए वो एक गेंद जैसा वो हो गया और वो खेलता रहा वो। चारुशिला, ये बताइए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपीरियंस तो किए हैं एक साथ। ये एक क्रिकेटर की ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसका टीम में सिलेक्शन नहीं होता, कई बार उसका परफॉर्मेंस उम्दा नहीं हो पाता और जितनी उम्मीद की जाती है उसके मुताबिक नहीं हो पाता, ऐसे में केदार के साथ जब भी ये हुआ कि उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ किस तरह से उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि कोई भी जो जीत है या कोई भी सफलता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए 100 असफलताओं का प्रवास करके वहाँ पहुँचना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि केदार को इन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, इनफैक्ट उसको तो ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि उसको आगे अगर आप देखोगे तो उसको थोड़ा लेट चांस मिला इंडिया में खेलने के लिए, तो लेकिन हाँ ऐसे मौके बहुत बार आए कि जब हमें ऐसा लग रहा था कि केदार अभी इस टीम में आएगा लेकिन नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने अपने ऊपर का जो विश्वास है उसको कम नहीं होने दिया और फिर से वही विश्वास के साथ वो खेलता रहा, तो शायद उसकी अपनी जो लगन, अपना जो डेडिकेशन है उसकी स्पोर्ट की तरफ, वो उसने बिना डिसअपॉइंट किसी डिसअपॉइंटमेंट के वो चालू रखा, और मुझे लगता है कि वही एक सच्चा खिलाड़ी है, क्योंकि एक खिलाड़ी के सिवाय मुझे लगता है यश और अपयश का मीनिंग दूसरा कोई ज़्यादा नहीं जान सकता।
चारुशीला बने रही हमारे साथ, आपके साथ ये बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंग्लैंड के खिलाफ कल की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई केदार जाधव ने। केदार जाधव की बहन चारुशीला इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई है। चारुशीला, एक वक्त ऐसा था जब भारत के 4 विकेट गिर चुके थे, 351 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, ऐसे में सोचा था कि इंडिया इस तरह से ऐतिहासिक तरीके से जीत पाएगी और केदार जाधव उसमें अहम भूमिका निभाएंगे।